ओम श्री परमात्मा ने नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी की मंगल कामना के साथ दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ आपके साथ आपके सामने हाजिर है। आज ये जो वीडियो हम आपके लिए लाए हैं, ये सभी बाकी जितनी भी हमारी वीडियोस हैं, जितने भी आप अभी तक वीडियोस देख चुके हैं, ये उन सब से अलग है, सबसे भिन्न है। ये किसी एक कार्य के लिए नहीं, अपितु आप इसे किसी भी कार्य में यूज़ कर सकते हैं। इसे इसका जो चमत्कार है वो अपने किसी भी कार्य में देख सकते हैं। और इसको आप करिए, ये जो आपका इसमें असर है, इसमें जो आपको परिणाम मिलेगा वो 10 दिन के भीतर आपको मिल जाता है। आपको ज़्यादा इसमें इंतज़ार करना नहीं पड़ता। सब्र की जो इसमें अवधि है वो बहुत ही कम है, मात्र 10 दिन। और इसमें हर किसी को रिज़ल्ट हर किसी को आएगा। और सबसे सरल बात, सबसे उत्तम बात ये है कि इसे आप कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई समय मुहूर्त नहीं है, बशर्ते इतना कि इसमें तभी करना है जब सूर्य देव निकले हों, यानी कि जब प्रकाश हो चारों तरफ। सूर्य देव एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्हें हम साक्षात अपने इन चक्षुओं से, इन नेत्रों से देख सकते हैं। हालांकि देखने के लिए तो चंद्रदेव भी हैं, जल देव भी हैं, ऐसे बहुत से देव हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन सभी में जो बोलबाला है वो सूर्य देव का है। देवों में राजा कहे जाने वाले सूर्य देव, अगर आप इनकी आराधना करते हैं, इनको प्रतिदिन जल चढ़ाते हैं, तो आप यकीन नहीं कर सकते, बड़े से बड़े जो आपके काम हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं मात्र सूर्य देव को जल चढ़ाने से। अब बहुत से लोग सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं किंतु उनका कार्य फिर भी नहीं हो पाता, इसकी क्या वजह है? इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी जो इसकी वजह आती है वो इसकी वजह यही है कि हम सही अवधि से या सही विधि विधान पूर्वक जल अर्पण नहीं कर पाते। या तो हम जल्दबाजी में होते हैं या अवधि पूर्वक या फिर गलत तरीके से सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, जिसके कारण उनकी जो कृपा है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, या हम जो उनसे प्रार्थना करते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती। सही जो तरीका है सूर्यदेव को जल चढ़ाने का, वो जब सूर्यदेव निकले हों, जब सूर्यदेव अपना पूरा प्रकाश करने लगे, आप उसको तब जल चढ़ाइएगा। ऐसा ना हो कि आप उनको जल चढ़ा रहे हैं 12 बजे, आप 8 बजे 9 बजे तक आप जल चढ़ा सकते हैं। उन लोगों के लिए है जो लोग देर से उठते हैं। यदि आप सुबह जल्दी उठते हैं तो जैसे ही सूरज निकलता है आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन 8-9 बजे तक भी आप सूर्यदेव को जल चढ़ा सकते हैं। और ये निवृत्त होकर नहा के चढ़ाना है, नंगे पैर आपको खड़ा होना है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको फर्श पर नहीं खड़े होना, आपको मिट्टी में खड़े होना है। घास अगर हो मिट्टी में तो कोई बात नहीं है, आप उसमें खड़े होके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते हुए आपको कुछ भी नहीं बोलना। आप अगर सूर्य देव का कोई मंत्र जाप कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो जल चढ़ाना है उसमें ज़्यादा जल्दी से जल्दी काम बन जाए, ज़्यादा आपको सब्र ना करना पड़े, तो सूर्य देव के जो जल चढ़ाएंगे उसमें आप गंगा जल भी डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। जब आप जल चढ़ा लेते हैं उसके बाद आपको एक सर्कल लेना है, एक राउंड घूमना है अपने आप को लोटे के साथ, और जो उसमें आखिरी का छोटा सा पानी जो होगा, थोड़ा सा, उस पानी को फेंकना नहीं है। जो लास्ट का शेष पानी बच जाएगा उसको अपने नेत्रों में आपको अपनी अनामिका उंगली से डालना है, यानी कि अपनी अनामिका उंगली को उसमें डुबोना है और फिर वह पानी अपने नेत्रों में डाल लीजिए। ऐसा करेंगे तो आपका कार्य तो सिद्ध होगा ही होगा, इसके साथ साथ आपकी आंखों की शक्ति, जो नेत्रों की शक्ति समय के साथ कम होती जाती है, वह बहुत तेज हो जाएगी और इसमें आपको तह उम्र कोई समस्या नहीं आएगी। नेत्रों की शक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी। और ये करके देखिए, ये प्रमाणित हो चुका है, जो लोग प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाते हैं वह स्वस्थ रहते हैं और उनके जो काम हैं
वो बनते जाते हैं। जो लोग सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं वह मेरी बात को भली बात ही समझ रहे होंगे। सूर्यदेव आपके बिजनेस का विस्तार करेंगे। आपका जो काम है, आपका जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, यदि आप सही तरीके से जल चढ़ाते हैं तो आपका कार्य हमेशा बनेगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको सुबह तड़के उठ के सूर्यदेव को जल चढ़ाना है विधि विधान से, और उसके बाद देखिए आपके रुके हुए काम तक बनने लग जाएंगे। इसको एक बार करने से ही आपको रिजल्ट दिखने लग जाता है। और जो लोटा होगा वो आप तांबे का भी ले सकते हैं, अगर तांबे का नहीं है तो स्टील के लोटे में भी आप जल चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अधिक समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी, एक साधिका ने रिक्वेस्ट की थी कि गुरुजी कोई ऐसी वीडियो बनाए जो बहुत सरल हो और उसे हम कर लें और उससे हमें परिणाम भी जल्दी आए। तो इसको करिए, आपको सदैव परिणाम अच्छे मिलेंगे। और आपके सुखद भविष्य के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और ऊपर वाले को सदैव याद करिए। ओम नमः शिवाय।